ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. حسن سورة आपकी बेदारी का बोल रहा था कि आप यहाँ है या कहीं और। ध्यान से सुनिए, तीन सवाल है, मैदान में शुरू हो रहा है। रात के सन्नाटे में चचा ने भतीजे से कहा, बेटा कपड़ा उतारो सो जाओ, हमारे नबी भतीजा है, चचा अबू तालिब है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुएं में भाई को भाई ने डाला और कपड़ा उतारा, हजरत यूसुफ ने क्या फरियाद की है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बाप ने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह के नाम पर मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मेरी चार फरमाइश है। वो चार फरमाइश क्या है? मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, रात के सन्नाटे में चचा अबू तालिब ने भतीजे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटा कपड़ा उतारो सो जाओ, अल्लाह के रसूल कपड़ा नहीं उतार रहे। चचा ने कहा कि चचा का हुक्म और भतीजा पूरा ना करे, कपड़ा नहीं उतार रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान मैं कपड़ा उतारू, मेरे बदन को आप देखो, मुझे शर्म आती है, आप मुंह फेर लो, फिर मैं कपड़ा उतारता। यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाला, कपड़ा उतारा, तो हजरत यूसुफ ने फरियाद की कि कपड़ा तो दे दो, कुएं में डालना है डाल दो, लेकिन कपड़ा मुझसे मत छीनो, ये कपड़ा अगर जिंदा में रहेगा तो सर्दी और गर्मी में काम आएगा,
अगर मर जाऊंगा तो कफन में काम आएगा। बाप से बेटे ने कहा, बेटा मैंने देखा है ख्वाब में कि तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूं। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, ख्वाब को सच्चा कर लो बेटा तैयार है। चार फरमाइश है, आंख पर पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, चाकू तेज कर देना, और जब मुझे ज़बह करना तो मेरा सर आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। और आखिरी फरमाइश ये है, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरा कपड़ा मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि सबर हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में जान दे करके कामयाब हो गया। पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताब तुझको ज़बह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फ़र्ज़ंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैतामील हाजिर है, मगर बांध लीजिएगा मेरे हाथों को और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, कि इस्माइल का एक रोग ताकत ने नहीं पाया। कि जन्नत से ये भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। घर में 10 लोग अमीर हैं, मगर सबकी तरफ से एक कुर्बानी होगी। उंगली का जाकर के शासक का नाम लिखा है कि जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कहाँ मैं ठिकाने आपको लगा करके छोड़ूंगा कि कहाँ आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होते। मेरा पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है के हवाले से, जिनके बच्चों का अकीका है मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अरशद भाई, इरशाद भाई, अब्दुल कुद्दूस भाई, इनके बच्चों का अकीका है मैं इनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह इन बच्चों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमाए, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, माँ बाप की कोताही मेरा पहला पैगाम है, सुनिएगा ध्यान से। बाप ने कहा मेरे बेटे को अभी छोड़ दो, अभी छोटा है, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा होगा खुद बखुद नमाज पढ़ेगा। खतरनाक जुमला है, आपने यहीं से उसकी बुनियाद खराब कर दी। अब आसमान तक ये इमारत जो खड़ी होगी वो टेढ़ी ही जाएगी। आदत के खिलाफ है, जब तक कोई बच्चा काम पर लगाया ना जाए वो काम को पूरा नहीं करता, नमाज वो खुद बखुद पढ़ेगा नहीं, आदत के खिलाफ है। और जब बचपन में उसकी नमाज पढ़ने की आदत नहीं हुई तो वो जवानी में नमाजी बन नहीं सकेगा, इसलिए आदत के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ भी है। दूसरा जुमला बाप का सुना रहा, थोड़ा सा बेदीन हो गया है। इसका जवाब बड़ा शानदार है कि थोड़ी सी जान निकल गई है। अब थोड़ी सी जान निकलने के बाद क्या बचा, जब दीनदार ही नहीं रहा तो क्या बचा, ये बच्चा अच्छा इंसान भी नहीं होगा, अच्छा मुसलमान भी नहीं होगा। आजकल आसान हो गया है माँ बाप की तरफ से ये जुमला, हाफिज बन करके क्या करेगा, लोटा उठाएगा, मुसल्ला बिछाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बड़ा खतरनाक है कि कयामत में सबको बच्चे की शफात मिलेगी, ऐसे बदनसीब माँ बाप को शफात नहीं मिलेगी। जनाजा रखा हुआ है, बेटा रो रहा है, पूछा अरे भाई अल्लाह के बंदे सब्र तो करो 5 मिनट के लिए, इमाम साहब को नमाज तो पढ़ाने दो, उसके बाद जी भर करके रोना। कह रहे इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूँ, बल्कि इस पर रो रहा हूं कि बाप ने मुझे दुनिया की तालीम दी, मैं PhD करके बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मुझे इतनी तालीम दीन की नहीं दी
कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं, इस बात पर रो रहा हूं। बेटे को फांसी हो रही है, उसकी आखिरी ख्वाहिश मालूम की जा रही है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरी माँ जिंदा है, मैं कान में अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। माँ जैसे आई कान सटाया, बेटे ने दांत से कान काटा। कितना बड़ा बदनसीब है, मरने से पहले भी नाफरमानी करके जा रहा है। कहा कि ये तो पूछो कि मैंने माँ के कान क्यों काटे। यही माँ है, बचपन में चोरी करके आता था, ये पीट ठोकती थी, अगर कान के नीचे एक लगा देती तो मैं चोर नहीं बनता, फांसी के ऊपर नहीं चढ़ता। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना, हजरत उमर की अदालत में बाप ने कहा कि मेरा बेटा नाफरमान है। बेटा कह रहा है कि मेरा बाप नाफरमान है। उस अदालत में फैसला क्या हुआ आपको सुनकर हैरत होगी। हजरत उमर की अदालत में एक फैसला हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, लेकिन बेटा बाप में नाफरमान है, पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दी, पैदा तो किया, अच्छा नाम नहीं रखा। एक इशारा पैगाम खत्म कर रहा हूं, बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के बाप दुआ कर रहा है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा अगर सही हो गया तो ऊंट सदका करूंगा। घर लौट करके आया कि देखा कि दुआ का असर हो रहा कि नहीं, देखा बेटा उठ करके बैठा हुआ। तो अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार ऊंट कहां से लाऊंगा, ये तो राजस्थान में मिलता है, मेरे पास तो भैंस है, इसमें भैंस दे दूंगा। दूसरी नमाज में देखा कि बेटा उठ करके खा रहा है, अब उसे यकीन हो गया कि मेरा बेटा ठीक हो गया, अब उसकी मिन्नत खिसक गई। वो कहता है मेरे परवरदिगार जो भैंस मेरी गुम हो गई है, अगर दोबारा मिल जाए तो मैं सदका कर दूंगा। बेटा सुन रहा था, बोला अब्बा हुजूर आप फंस जाओगे, सदका के नाम पर जो भैंस चली गई वो दोबारा मिल जाएगी, आपकी मिन्नत किस तरह सही होगी, आपको नुकसान नहीं होगा, आप इस तरह मिन्नत कीजिए, मिन्नत मांगिए कि जो भैंस मेरी मर गई है दोबारा जिंदा हो जाएगी, तो राह खुदा में कुर्बान कर दूंगा। कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहां से पाए, अमुआ कहां से पाए, पाथे दिन पाथे गए अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, एक बूढ़े से जवान कह रहा है तू कुर्ता फाड़ता रह, मैं तुम्हें कुर्ता सिला करके देता रहूं, तुम पायजामा फाड़ते रहो, मैं तुमको सिला करके देता रहूं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, बैठ करके रहते हो, सब काम मुझको करना पड़ता है। पूछने वाले ने पूछा, कह रहे नौजवान ये बूढ़े से जो बात कर रहे हो ये कौन है? कहा कि मेरा बाप। कयामत आ गई, तुम बाप से इस तरह बात कर रहे हो जैसे नौकर से बात की जाती है। बेटा मीटिंग में बैठा हुआ है, फोन आया कि तुम्हारा बाप इंतकाल कर गया, तो कहता मैं जरूरी मीटिंग में हूं, मैं आ नहीं सकूंगा, तुम लोग कफन दफन कर दो, मैं यहां से पैसा भेज दूंगा। आखिरी नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूं, बेटा भरी मजलिस में दोस्तों से कहता है काश के उस जगह का मुझे पता चल जाए
जिस दरख्त के नीचे मेरे बाप ने दुआ मांगी मैं पैदा हुआ, मैं उस दरख्त के नीचे जाता, बाप को बद्दुआ करता कि मेरा बाप मर जाए ताकि जमीन मकान दुकान सबका मैं अचानक में मालिक बन जाऊं। एक मिसाल है तजर्बे की, उन्हें आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप देखेंगे कि हमारे बिस्तर से बिच्छू निकलता, उसने हमें काटा नहीं फिर भी उसको जूते से मारा जाता। बिच्छू निकला उसको बच्चा भी जूते से मारता है, चप्पल से मारता है। किसी आरिफ ने बड़ी नुक्ते की बात, रास की बात कही है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। बिच्छू ने काटा नहीं लेकिन उसको जूते से मारा क्यों गया? तो लिखा है कि बिच्छू जब माँ के पेट में होता है, छोटा होता है, तो उसकी माँ जिंदा होती है, उसको संभाले रखती है। जब वो बड़ा होता है तो अपनी माँ के पेट को चाक करके वो बाहर निकल जाता। जिसने बचपन में माँ के ऊपर जुल्म उठाया, अब वो जहां कहीं भी इंसान को मिलता है उसकी जूते से खबर ली जाती है। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं, आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, उम्र चाहिए, मेरी जबान नहीं नबी की जबान है, हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। आप माँ बाप पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह आपकी रोजी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी सेहत बढ़ा देगा, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ा देगा। सास ससुर पर ज्यादा मेहरबान होंगे, हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह। है माशाल्लाह सब पढ़ा रहे हैं, डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया है कि दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार। एक मिसाल से पहले आप खत्म करना, ध्यान से इसको सुनिएगा। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम कितना कमाते हो एक दिन में? कहा 1 रुपया। कैसे खर्च करते हो? कहा 4 आना अपने ऊपर, 4 आना दरिया में डालता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आना कर्ज चुकाता हूँ। कहा समझ में आया? सर चकरा गया। कहा बताता हूँ, जो मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ खाने पीने में और अपने घर के खर्चे में 4 आना खर्च करता हूँ, 4 आना जो कर्ज में दे रहा हूँ, छोटे बच्चे पर खर्च कर रहा हूँ, उसको कर्ज दे रहा हूँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये कर्ज मेरा वापस कर देगा, और 4 आना कर्ज चुका रहा हूँ, जब मैं बच्चा था तो मेरे बूढ़े माँ बाप ने मुझे खिलाया पिलाया था, वो कर्ज मेरे सर पर रह गया था, उसको लौटा रहा हूँ, 4 आना दरिया में डाला, सास ससुर पर खर्च कर रहा हूँ, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा खाते खाते मिलेगा। है बुराई जहर काले नाक का, है बुराई जहर काले नाक का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाक का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाक का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ वो यह काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेरा पैगाम है, तीसरा पैगाम कि माँ बाप की जिम्मेदारी क्या है, अकीके का प्रोग्राम है, इसके हवाले से आप सुन रहे हैं, कुछ याद रहे अगर इसको याद करके जाइएगा, जिंदगी भर के लिए आपको ये काम आएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। अल्लाह हमारे सुनाने को आपको सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए, आप चाहते हैं कि हमें नेक सारे औलाद मिले, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है दीनदार औरत से निकाह कीजिए और बच्चे के हलक के नीचे हराम ना आए, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छी तालीम दीजिए, अच्छा नाम रखिए, अच्छे माहौल में बच्चे को पाली और पोसी। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, अल्लाह उस बच्चे को सहाबा का असर अता फरमाएगा, वो नेक होगा, एक होगा, माँ बाप का दिल भी खुश होगा और आंख भी ठंडी होगी। दूसरे काम की तरफ ध्यान दीजिए, जब बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए आप उसको इल्म और अदब दीजिए, जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए आप उसको नमाज का हुक्म दीजिए, जब बच्चे की उम्र 9 साल हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए, जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए आप उसकी कड़ी निगरानी कीजिए, यही उम्र है बनने की, यही उम्र है बिगड़ने की। 3 आदमी के साथ बराबर नरमी करेंगे नुकसान ही नुकसान होगा, घोड़ा के साथ अगर बराबर नरमी करेंगे नाफरमान हो जाएगा, औरत के साथ बराबर नरमी करेंगे नाफरमान हो जाएगी,
बच्चे के साथ बराबर नरमी करेंगे ना फरमान में, नरमी की जगह नरमी, सख्ती की जगह सख्ती करेंगे तो बच्चा बच्चा बनकर के दिखाएगा। तीसरी बात का ध्यान दीजिए, तीन तरह के बच्चे मस्जिद में आते हैं, मस्जिद के ग्राउंड में जलसा हो रहा है, तीन तरह के बच्चे मस्जिद में आते हैं और बाप खुद हाथ पकड़ करके उन बच्चों को लाता है। एक बच्चे का लाना हराम है, एक बच्चे का लाना बेहतर नहीं है, एक बच्चे को लाना जरूरी है। जो बच्चा इतनी तमीज नहीं रखता कि बाकी और नापाकी क्या है, मस्जिद और अपना घर क्या है, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। जो बच्चा थोड़ी सी समझ रखता है ये अल्लाह का घर है, बाप के बराबर में खड़ा है, शैतानी नहीं करता, बाप से छूटा बच्चों में पहुंचा शैतानी करता है, ऐसे बच्चे को लाना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं है। तीसरा बच्चा है जो इसकी समझ रखता है ये अल्लाह का घर है, जो इसकी तमीज रखता है ये पाकी है और नापाकी है, ऐसे बच्चे को लाना जरूरी है ताकि बचपन में नमाज की आदत हो जाए। तीन बात की तरफ आप बहुत ध्यान दीजिएगा, बच्चे को बात बात पर मारना नहीं है, वो बेशरम और बेहया बन जाएगा। दूसरी बात, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। तीसरा नुकसान ये होगा, वो बात बात पर भूलेगा, उसको सबक याद ही नहीं है। दूसरे काम पर ध्यान दीजिए, जब बच्चा आपका घर में रहे मियां बीवी को झगड़ा नहीं करना, जब बच्चा घर से निकल जाए फुटबॉल खेलिए क्रिकेट खेलिए सब चलता है, लेकिन बच्चा जब घर के अंदर मौजूद रहे आपको झगड़ा नहीं करना। जानते कितना बड़ा नुकसान होता है, लम्हे की सजा होती है, सदियों की सजा होती है। बच्चा आपका घर में मौजूद है, मियां बीवी का झगड़ा चल रहा है, बच्चा माँ बाप को निगाह से गिरा देता है, बचपन में कदर नहीं करता, जवानी को भी इज्जत नहीं देता। एक बात खास, जब बच्चा आपका घर में रहे तो मोबाइल आपको देखना नहीं, मोबाइल संदूक में बंद कर दीजिए, जब बच्चा चला जाए तो मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए बयान सुनिए चलेगा। बच्चे की मौजूदगी में अगर आप मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786 आपको तो देखना ही नहीं आता, वो तो एक नंबर का मास्टर है, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। एक बादशाह थे, उसके तीन वजीर थे, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था, तीनों झगड़ा करते थे, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सब अपने को बड़ा करता था। एक रिटायर वजीर ने कहा, हुजूर ये झगड़ा एक दिन में खत्म हो जाएगा, तीनों को बुलाइए, इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल कर जाए उसको बर्खास्त कर दिया। तो बुला करके बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे बैर पसंद है लेकर गया। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे मालदाम पसंद है लेकर गया। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे कटहल पसंद है कटहल लेकर गया। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा सबसे पहले बिहारी का, तो बादशाह ने कहा देखो ये बैर है, इसको चला नहीं सकते, गुठली फेंक नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा, बैर पास इम्तिहान पास, बैर अटका यहां से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुधा बैर था, लंबा बैर था, कहां पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जब उसने खोखी की दोबारा बैर मुंह में वापिस आ गया तो हंसने लगा, तो बादशाह को हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है, अटक जाता है, मौत का खौफ होता है इसलिए रोता है, लेकिन हंसता क्यों है। उसने कहा ओ नालायक, तेरा रोना तो समझ में आता है लेकिन हंसता क्यों। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, यहां कटहल वाले का क्या हाल है, छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाया, ये लंका जलाएगा लंका बुझाएगा नहीं। इसलिए बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना, हाथ उठाकर के वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान कभी कभी इंशाल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलफा मेरी नींदे तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफा मेरी नींदे तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम, ऐ मेरे किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है उस बाबद नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। चौथा नमूना बड़ी तेजी के साथ आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, होनहार बच्चा कौन होता है। आधा जलसा निकल चुका है, मोहब्बत का आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगा, बड़े बड़े शुआ मौजूद हैं, उनको दोबारा आपको सुनना है, मुकम्मल जलसे को मुकम्मल करा करके उठना है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, होनहार बच्चा कौन होता है। इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अल्लाह उनको जजाए खैर दे, जन्नतुल फिरदौस दे,
उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा क्या पढ़ते हो? कहा मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, चार बात की जानकारी है, इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं चाहिए। कभी क्या क्या है जानकारी? सरकारी मुझको हो चुका, जबान का इल्म मुझको हो चुका, कान का इल्म मुझको हो चुका, दिल का इल्म मुझको हो चुका, किसी इल्म की जरूरत नहीं है। अब इतने बड़े मुहदीस सर पकड़ करके बैठ गए, ये बच्चा क्या कह रहा है? मुझे चार बातों का इल्म है और मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं। सर का इल्म हो चुका, कान का इल्म हो चुका, जबान का इल्म हो चुका, दिल का इल्म हो चुका। तो उस मुहदीस ने कहा बेटा मैंने मतलब समझा नहीं, मतलब समझाओ। तो कहा सर का इल्म हो गया, ये सर अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, किसी और के आगे नहीं झुकना चाहिए। कान का इल्म हुआ, इस कान से कुरान की तिलावत सुननी है। जबान का इल्म हो गया, इस जबान से कुरान की तिलावत करनी है। दिल का इल्म हो गया, इस दिल में सिर्फ खुदा बसेगा, कोई और नहीं बसेगा। मुबारक हो निजामुद्दीन, बहुत बड़ा बादशाह है, मदरसा बनाया, मदरसे के बच्चों को बिठा करके सवाल किया कि क्यों आए हो मदरसे में, क्या पढ़ने के लिए आए हो? एक बच्चा बोला मैं बादशाह का बेटा हूँ, बादशाह बनने के लिए आया। कहा इन्ना लिल्लाह, ये तो एक नंबर का दुनियादार बनेगा। दूसरे बच्चे ने कहा मेरा बाप वजीर है, मैं वजीर बनना चाहता हूँ। कहा अस्तगफिरुल्लाह। तीसरे बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? मेरा बाप सिपाही सालार है, मैं सिपाही सालार बनना चाहता हूँ। मदरसा का बच्चा मदरसे में इतना बड़ा दुनियादार, इस मदरसे पर कल बिल्डोजर चला दूंगा। कोने में देखा एक बच्चा बैठा हुआ था, उसी बच्चे का नाम इमाम गजाली था। उस बच्चे से पूछा कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ मायूसी में, तुमसे भी पूछ लेता हूँ कि तुम इस मदरसे में क्यों आए हो? कहा कि हुजूर मैं इस मदरसे में इसलिए आया हूँ, मुझे इस मदरसे में आने से पहले ये मालूम नहीं है खुदा कौन से काम से राजी होता है, खुदा कौन से काम से नाराज होगा, मैं तो इतनी ही जानकारी के लिए आया हूँ। बादशाह ने पेशानी चूम करके कहा मुबारक हो, तू इस मदरसे में बाकी है, मदरसा बाकी है, अगर तू नहीं रहता इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। अगर तानवी ने बच्चे से पूछा बेटा स्कूल में पढ़ते हो, एक सवाल का जवाब दो, अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चे ने, मुसलमान के बच्चे ने स्कूल में पढ़ करके भी कितना शानदार जवाब दिया, आपको हैरत होगी सुनकर के। उस बच्चे ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, इंग्लिश से बढ़ करके अरबी है, क्यों? अल्लाह का कुरान अरबी में नाज़िल हुआ, इंग्लिश में नाज़िल नहीं हुआ। इंग्लिश बैठा हुआ था, मकतब से बच्चा निकल बोतल सामने लेकर के खड़ा हो गया। बच्चा एक सवाल का जवाब दो, इस बोतल में आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? उस बच्चे ने कहा कि आसमान और जमीन इस बोतल में आ सकते हैं कि नहीं? अल्लाह कादिर है, आजिज नहीं है। ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, अगर अल्लाह चाह ले तो सुई के नाके के अंदर आसमान को भी ला सकता है, जमीन को भी ला सकता है। मुबारक हो तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा दिया। बच्चे के अंदर पांच खूबी है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। वो अपनी बात कैसे मनवाता है? रो करके मनवाता है। अगर आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे वो बीबी सी लंदन चालू हो गई, अब वो चुप होने का नाम नहीं है जब तक उसकी जिद पूरी ना हो जाए। अगर इसी तरह रो करके हम अपनी बात खुदा से मनवाने वाले बन जाते हैं तो हमारी हर बात अल्लाह के यहां काबिल कबूल हो जाती है। बच्चे की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, वो जमीन पर बैठता है, जमीन पर बैठता है, चाहे कितने बड़े बाप का बेटा हो जमीन पर बैठता है, उसके अंदर आजिजी है। ये आजिजी अगर हमारे अंदर आ जाए अल्लाह आसमान की बुलंदियां पा पाएगा। बच्चों को आप देखेंगे वो खिलौने से खेलता है, मिट्टी का खिलौना होता है उससे खेलता है, उसको तोड़ देता है, यानी वो दुनिया के खिलौनों की अपने दिल में कोई कदर कीमत नहीं रखता। उसी तरह इस दुनिया की कदर कीमत हमारे दिल से निकल जाए तो अल्लाह कहां से कहां हमें पहुंचा दे। एक खास बात बच्चे की बताने के लिए जा रहा हूं, बच्चा पल में झगड़ा करता है उस झगड़े को भूल जाता है, सीने में कीना नहीं रखता। अगर ठीक उसी तरह हमारे दिल से कीना निकल जाए तो अल्लाह हमारे हक में जन्नत का फैसला फरमा इंशाल्लाह। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर एक छोटी सी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ है, खाना गरम है, बच्चा बोला, एक पूछने वाले ने पूछा कि बेटा क्यों रोते हो? कहा खाना गरम है इसलिए रो रहा हूं, खाना गरम है इसलिए रो रहा हूं। कहा बेटा थोड़ा सबर कर लो, खाना ठंडा हो जाएगा बाद में खा लेना। कहा सबर करेंगे तो आप लोग खा लोगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। एक आदमी ने एक बच्चे के सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं इससे तुम खुश हो जाओगे? कहा कि नहीं, बाप बन जाने से मैं खुश नहीं हूंगा, तू मेरी माँ बन जा, ताकि तेरी मीठी मीठी बात मेरे बाप को बहुत अच्छा लगे।
और मेरे मेरे बाप को तेरी मीठी मीठी आवाज बहुत प्यारी लगे, तू बाप के बजाय माँ बन जाए, मैं इससे राजी। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह पहले अपने बच्चे को मक्तब की तालीम देकर के इंसान और मुसलमान बनाएंगे, बाद में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे इंशाअल्लाह। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है। मेरे हिस्से का जलसा करीबन तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है, आप लोग इसको सुन लीजिए कि बच्चा हीरा कैसे बनता है, उसका बनाने वाला जौहरी उस्ताद हुआ करता है। ये पैगाम है बड़ा खूबसूरत, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। बादशाह का बेटा पैदल चल रहा है, उस्ताद घोड़े पर सवार है। बादशाह ने रोक करके पूछा कि मेरा बेटा पैदल और तुम उस्ताद सवार हो, बच्चे को पैदल चला रहे हो और तुम सवार हो। तो उस्ताद ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा बेटा आज बेटा है शहजादा है, कल ये बादशाह बनेगा, मैं इसे पैदल इसलिए चला रहा हूँ कि जब ये बादशाह बनेगा ये सवार होगा ताकि पैदल चलने वाले पर इसे तरस आए, रहम आए, इसलिए इसको पैदल चलवा रहा। दस्तरखान पर उस्ताद मुर्गा खा रहे हैं और बच्चे को दस्तरखान पर दाल मिल रही है, माँ ने आकर के कहा कि तुम कैसे उस्ताद हो मुर्गा खा रहे हो, हमारे बच्चे को दाल खिला रहे हो। उस्ताद का जवाब सुनिए, वो उस्ताद शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, कहा कि तुम्हारा बेटा अभी इसी लायक है कि दाल खाए, जब वो मुर्गा खाने के लायक हो जाएगा तो मुर्गा खाएगा, मैं तो अभी उस पर मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत कर रहा है ताकि मुर्गा खाने के काबिल हो जाए। बच्चा नाकाम हो गया, दूसरे का बच्चा कामयाब हो गया, बाप ने आकर के शिकायत की कि मेरा बच्चा नाकाम हो गया, तुम्हारा बच्चा कामयाब हुआ, कहा कि मैं उसको फरिश्ता बना करके मकतब से घर भेजता था और तुम्हारे गलतफहमी माहौल ने बच्चे को शैतान बनाया, कसूर हमारा नहीं है, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम तुम्हारे सर जाएगा, हमारे सर जाएगा। बेकसूर बच्चे को मारा गया। बाप आया बेटे की तरफदारी में, उस्ताद से कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे को बेकसूर क्यों मारा, इसलिए मारा ताकि जब ये बादशाह बने तो किसी पर जुल्म ना करे, जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए पसंद करे। सिकंदर एक बादशाह गुजरा है, उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत किया, बाप से बढ़कर के उस्ताद की इज्जत कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि बाप से बढ़कर के उस्ताद की इज्जत क्यों करते हो, कहा इसलिए कि बाप ने मुझको आसमान से जमीन पर लाया, उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए बाप से बढ़कर के उस्ताद की इज्जत करता हूं। आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, एक ही काम आपको करना, उस्ताद का फीस उधार नहीं रखना, नगद दे देना, उस्ताद को खुश रखना है। आप बच्चे के उस्ताद पर मेहरबान होंगे, उस्ताद आपके बच्चे पर मेहरबान होगा, भलाई आप ही का है, नुकसान आपका नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह उस्ताद को खुश रखेंगे ताकि मेरा बच्चा इल्म और हुनर से मालामाल हो जाए। एक इंसान है पैगाम खत्म कर रहा हूं, दस्तरखान लगा हुआ था, खजूर खा रहे थे, अल्लाह के रसूल भी मौजूद थे, हजरत अली भी थे, हजरत अली शागिर्द हैं और अल्लाह के रसूल उस्ताद, तो सारे लोग खजूर की दूधली हजरत अली के साथ रहते हैं, हजरत अली खामोश कुछ नहीं बोले, सारे लोग अपने खजूर की गुठली हजरत अली के सामने रखे। एक सहाबी ने चुटकी किया, या रसूल अल्लाह हजरत अली के सामने खजूर का ढेर है, गुठली का ढेर है, इससे अंदाजा होता है कि सबसे ज्यादा खजूर अली ने खाई है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या अली ये लोग क्या कह रहे हैं, तो हजरत अली ने हाजिर जवाब था, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमने तो खजूर खाई गुठली फेंका, इन लोगों ने गुठली समेत खजूर खा लिया है, इसलिए इनकी खजूर का कुछ पता नहीं चला है। जला सकती है शमा कुछ तत्व मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछी फिर तब शौकी इरादत हो तो देखिन को, यद बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस दिनों में, तमन्ना दर्दे
कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो पैगाम रह गए, आप भी सोचेंगे कि पता नहीं कितना भारी भारी मुताला सर पर आएगा और कितना वजन उठाना पड़ेगा, जल्दी से आपको फारिग करवाओ। बस एक खूबसूरत पैगाम कि आदमी बड़ा कैसे बनता, बड़ा बनता है इल्म और हुनर से। आपके बच्चा के पास ज्यादा पैसा आए आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होना उस वक्त है जब आपके बच्चे के पास ज्यादा इल्म आए। ज्यादा पैसा आएगा दुश्मन ज्यादा होंगे, खतरे की बात खुशी की बात नहीं। ज्यादा इल्म होगा मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, खुशी की बात तब है। ध्यान से सुनिएगा, लुकमान हकीम से पूछा आप इतने बड़े हकीम कैसे बन गए, का इल्म और हुनर मुझको नाबीना से मिला, जो आँख का नाबीना होता है उससे मुझे हुनर और हिकमत मिली, कैसे वो फूक फूक करके कदम रखता और बेअदब से मुझे अदब मिला। इमाम गजाली से पूछा गया आप इतने बड़े इमाम कैसे बन गए, का जो चीज मालूम नहीं थी उसको पूछे बगैर मैं चैन से बैठा नहीं, इसलिए अल्लाह ने आसमान की बुलंदी मुझे अता फरमाई। पूछा गया हसन बसरी से आप इतने बड़े इमाम कैसे बने, कहा मेरे दूसरे साथी के पास कम इल्म था, मेरे पास सबसे ज्यादा इल्म था, इसलिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा चमका दिया। हकीम जानी से पूछा आप इतने बड़े हकीम कैसे बन गए हो, कहा मेरे दोस्तों ने शराब पर पैसा बहाया, मैंने शराब के तेल पर पैसा लुटाया, मैं आबाद हो गया वो बर्बाद हो गए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में है, हजरत नानोतवी के हवाले से आता है। पूछा गया कि नानोतवी ने भी वही किताब पढ़ी, इतना इल्म कैसे हुआ, का उस्ताद का अदब बहुत ज्यादा था इसलिए अल्लाह ने दुनिया में चमकाया, रुतबा को बुलंद फरमाया। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए खुद अपने उस्ताद का अदब करेंगे, अपने बच्चे को अदब की तालीम देंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, बहुत मशहूर इदारा है, सर सैयद अहमद खान साहब ने बनाया, उन्हीं 1875 में, दुआ कीजिए अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जजाए खैर। तीन नौजवान सफर कर रहे थे अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए, तीनों का टिकट नहीं था, एक बूढ़ा सीट पर बैठा हुआ था उसी का टिकट था, कंफर्म टिकट था। एक जवान आकर के कहता ओ बड़े मियां पैर समेटो, हमें नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ, अहमद असरार। दूसरा लड़का बोला मैं भी इसी सीट पर बैठूंगा, संभल करके बैठ जाओ, लेटने की जरूरत नहीं है, मेरा बैठने टिकट हुआ तो क्या हुआ, मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूँ, हबीब मुख्तार। तीसरा लड़का बोला कि मैं भी यही बैठूंगा, पैर समेट करके बैठो, मेरा नाम शहीद लबरा। बूढ़े ने सोचा कि तीन पहलवान से क्या टकराऊंगा, चूर चूर हो जाऊंगा, बेचारा सिमट करके बैठे। उसके बाद खुलते खुलते जब पता चल गया कि इन बच्चों को अलीगढ़ में दाखिला लेना है, तो कहा कि बेटा सबने अपना नाम बता दिया कि अहमद असरार हूँ, सईद उल अबरार हूँ, हबीब मुख्तार, अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन। अभी नौजवानों को बड़ी हैरत हुई कि इस सूफी लकड़ी में जान कहाँ से पैदा होता, कहा कि चचा जान आप भी बता दो आप कौन हो, तो कहा मैं परवरदिगार कल अलीगढ़ पहुंचो बाप से भेंट हो जाएगी, मैं अलीगढ़ का वाइस चांसलर हूँ। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आश ना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तो किताब खाह मगर साहिब किताब नहीं। आखिरी पैगाम अकीका के हवाले से सुना करके इसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद दो तीन पैगाम देकर के अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आपको सुनने के लिए तैयार है, थक गए तो दोनों हाथ उठा दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा बेटा दुनिया पर मुतमईन मत होना, मैं जन्नत पर मुतमईन हुआ मुझे जन्नत से निकाल दिया। बेटा औरत की हर ख्वाहिश पर अमल मत करना, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अमल किया जन्नत से निकाल दिया।
बेटा हर काम के करने से पहले अंजाम सोच लेना। मैंने अंजाम सोचा नहीं, जन्नत से बाहर कर दिया गया। बेटा हर काम के करने से पहले दूसरे से मशवरा कर लेना। मैंने अगर फरिश्तों से मशवरा कर लिया होता तो जन्नत से निकाला नहीं जाता। मतलब दाऊद ने कहा कि बेटा शेर के पीछे आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। सांप तुम्हारे पीछे आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर कोई बेपर्दा अजनबी औरत तुम्हारे पीछे आ जाए, अब खौफ की बात है, खतरे की बात। अब्बा हुजूर, औरत है ये इंसान है, खतरे की बात कैसे है? वो तो शेर है, चीर फाड़ देगा। अब बेटा वक्त से पहले कोई मार नहीं सकता। अगर वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, जान जाएगी लेकिन ईमान बचा रहेगा। लेकिन अगर कोई बेपर्दा औरत तुम्हारे पीछे आ गई, बेटा तुम्हारा ईमान चल जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा रात भर मत सोना, रात में किसी पहर जाग करके अल्लाह की इबादत कर लेना। जो रात भर सोता है कयामत में जब वो खड़ा होगा तो नामे आमाल अमल से खाली होगा। चौथे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेटा पांच आदमी से दोस्ती मत करना, दोस्ती करोगे नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान से निकल नहीं पाओगे। दोस्ती करनी है तो तीन आदमी से दोस्ती करो, पांच आदमी से दोस्ती मत करना, नुकसान ही नुकसान होगा। तीन आदमी से दोस्ती करो, नफा ही नफा होगा। अब्बा हुजूर बताइए, पहला आदमी झूठे आदमी से दोस्ती मत करना, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा तुम्हारा नुकसान। नाफरमान आदमी से दोस्ती मत करना, वो एक लुकमे में तुमको भेज डालेगा। बेवकूफ आदमी से दोस्ती मत करना, वो तुमको नफा पहुंचाना चाहेगा तुमको उल्टा नुकसान हो जाए। बेटा बखील से, कंजर से, कंजूस से दोस्ती मत करना, तुम हाथ फैलाओगे मुसीबत में वो हाथ खींच लेगा, साथ नहीं देगा। बेटा पांचवा आदमी रिश्ता तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, वो तो खुद बर्बाद है, तुमको भी बर्बाद कर देगा। तीन आदमी से दोस्ती करो, नफा ही नफा होगा। डॉक्टर से दोस्ती करो, इलाज मालूम होगा। बूढ़े से दोस्ती करो, तजर्बा मालूम होगा। आलिम से दोस्ती करो, तुम्हें इस्लाम मालूम होगा। एक आदमी दौड़ा दौड़ा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कहा दो भाई एक तरफ से निकाह, दो बहन का एक तरफ से निकाह, लेकिन इसकी बीवी उसकी यहां रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसकी यहां रुखसत हो गई, अब क्या? कहा दोनों लड़के को मेरे पास बुलाओ, मसला हल कर देता हूं, चुटकी में मसला हल कर देता हूं। दोनों लड़के को बुलाया, कहा जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी है वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है? कहा पसंद। दूसरे लड़के से पूछा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी बीवी समझ कर वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है? कहा पसंद है। कहा मसला हल हो गया। अपनी अपनी बीवी जिसके साथ तुमने निकाह पढ़ा है तलाक दे दो, और जिसके साथ रात गुजारी है उससे निकाह कर लो, मसला हल। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहने लगा कि मेरे पेट में दर्द है, कहीं बुढ़ापे की वजह से। कहा सर में दर्द है, कहा बुढ़ापे की वजह से। नींद नहीं आती, बुढ़ापे की वजह से। जोर से तमाचा खींच कर चिल्ला रहा, कोई दवाई है नहीं, सिर्फ बुढ़ापा। कहा मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से। तजर्बा, एक बच्चा मायूस होकर के जा रहा, एक बूढ़े ने उसको रोका। कहा क्यों मायूस हो? कहा कि अमीर के यहाँ गया था रिश्ता मांगने के लिए, उसने मना कर दिया और शर्त लगा दी कि मेरे नहर को, मेरी नहर को दूध से भर लोगे तभी रिश्ता मिलेगा। अब मैं इतनी बड़ी नहर को दूध से कैसे भर सकता हूं, इसलिए रिश्ते से मायूस होकर जा रहा। बेटा मसला हल है, तुम एक में तुम जाकर के बोलो कि ठीक है तुम्हारी नहर को मैं दूध से भरने के लिए तैयार हूं, आज भर दूंगा, तुम अपना पानी खाली करो, मैं नहर को दूध से भरता, उसकी नाली भर जाएगी, खाली नहीं कर पाएगा। दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, बच्चों दिखा चल के अपने दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह।
बेटी से काम ज्यादा लेंगे तालीम कम देंगे। हाथ उठाई बिल्कुल सही जा रहा है, चार पांच आदमी का फिर भी फिसल ही जा रहा है। आपकी गलती नहीं है, मेरे अंदाज की गलती। अगर आप मेरी जगह होते मुझसे सवाल होता मैं भी फंस जाता। चलिए चले दीजिए, ध्यान से इसको सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपके हम लोग प्यारा ध्यान से। कुंवारी लड़की है, शादी नहीं हुई है, नमाज पढ़ती है, एक नमाज का सवाब 10 नमाज, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन लड़की की शादी जैसे हुई वही लड़की अब नमाज पढ़ रही है उसी मुसल्ले में, एक नमाज का सवाब 21 नमाज के बराबर मिला जाता। शादी के बाद हमल हो गया, पेट में बच्चे की आमद हुई, क्या इंकलाब आता है अल्लाह की तरफ से, उस लड़की के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते। अब वो बच्चा पेट में बड़ा हो रहा है, माँ को बैठा नहीं जाता। अब वो बच्चा पेट में बड़ा हो रहा है, माँ को लेटा नहीं जाता। जब वो बैठती है तो आह निकलती है, जब वो लेटती है तो ओह निकलती है। अल्लाह की तरफ से इंकलाब देखिए, उस आह के ऊपर उस ओह के ऊपर अल्लाह तस्बीह का सवाब अता फरमाता। ठीक जब 9 महीने पूरे हो गए अब दर्द शुरू हो रहा है, 400 तलवार अगर किसी के ऊपर पड़े तो उतनी तकलीफ नहीं होती, इससे बढ़कर के मां को तकलीफ होती जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, मौत के मुंह में चली जाती है। और जानते हैं वो मौत के मुंह से अगर वापिस आ गई तो अल्लाह जन्नत को उसके कदमों में डाल देता है, अगर वो मौत के मुंह में चली गई तो गर्दन कटाने वाले के बराबर शहादत का रुतबा मिलता है। एक बात खास सुनिए, जो मेरा मौजू है जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। मां की गोद में अभी छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, तोतली जबान बोलता है, मां उससे कहती है अल्लाह बोलो, वो अल्लाह बोल रहा है, रसूलुल्लाह बोलो, वो रसूलुल्लाह बोल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, वो बोल रहा है। हर सांस के बदले माँ को सदके का सवाब मिलता है। बच्चा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, माँ ने उसको मकतब का रास्ता दिखाया, बच्चे ने 3 साल में कुरान मुकम्मल कर लिया, सूरज से बढ़कर के उस माँ को अल्लाह ताज अता फरमाएगा। मैं कैसे सुकरार गई है, एक चप्पल इधर देखा, दूसरी चप्पल उधर देखा, इस चप्पल को वहां से उठाया, यहाँ जोड़ा लगा दिया, इस चप्पल को यहाँ से उठाया, वहां जोड़ा लगा दिया। इंकलाब देखिए, अल्लाह नामे आमाल में एक नेकी का इजाफा करवाता है, एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह माफ कर देता है। बेटी को माँ की याद आने लगी, ससुराल में बेटी है, माँ की याद सताने लगी, बूढ़ा बाप याद आने लगा, शौहर बाहर है, फोन करती है कि मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, शौहर ने इजाजत दे दिया। अब जैसे ही कदम आगे बढ़ रहा है, एक कदम उठा रही है माँ बाप की जियारत के लिए, 100 नेकी अल्लाह का फरमाता है, 100 दर्जा बुलंद फरमाता है, 100 गुनाह माफ करता है। अब माँ बेचारी बूढ़ी इंतजार कर रही है कि बेटी आगे बढ़े, 100 मरतबा दरवाजे पर जाती है, इकरार करती है, बैठ जाती है, बाप अपने बुढ़ापे को भूल जाता बेटी के इंतजार में। जैसे ही बेटी आई, माँ अपनी बीमारी भूल जाती है हमारे खुशी के, बाप अपना बुढ़ापा भूल जाता है हमारे खुशी के। मोहब्बत की निगाह बेटी ने बाप के ऊपर डाली, माँ के ऊपर डाली, माँ बाप ने मोहब्बत की निगाह बेटी के ऊपर डाली, हर नजर पर अल्लाह बेटी को मकबूल हज का सवाब अता फरमाता। माँ बेटी दोनों एक मजलिस में, बेटी मुस्कुराती, माँ का नाम आयशा है रजी अल्लाह अन्हा, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा, मुस्कुराती। तो माँ ने कहा कि बेटी बेमौका हंसने की क्या वजह है, क्यों मुस्कुरा रही हो, बेमौका कैसी हंसी है। तो बेटी ने कहा अम्मा ख्याल आया, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हूँ। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना। बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्य में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सत्य में हमें कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही। अब बेटी के कान खड़े हुए कि मां किस बात पर हंसी आ रही। अब बेटी एक वक्त आएगा तो इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, मेरा वक्त आएगा मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा तू कब्र से निकलेगी, जन्नत में जाएगी, तेरे हक में फैसला होगा, मेरे हक में फैसला होगा, बेटी मैं कब्र से निकलूंगी, जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह
कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का कयाम, हश्र तक उन्हीं के घर पे है मोहम्मद का कयाम, जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, ओ मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है सुना रहा हूँ 10 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 1965 में ऐलान हुआ, 1965 में हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। 1970 में ऐलान हुआ नसबंदी नहीं कराओगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे, बच्चे जितने ज्यादा होंगे चाहत आ जाए, गरीबी आ जाए, बर्बादी होगी, मुल्क महंगाई का शिकार हुआ। 70 आया चला, 1980 में ऐलान हुआ नसबंदी नहीं कराओगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, ऑपरेशन नहीं कराओगे, बच्चे की कसरत होगी, अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे, एक दूसरे को काट खा जाएंगे। अल्लाह ने बच्चे की आमद बाद में की, पैदावार को पहले बढ़ा दिया। ये दुनिया असबाब है, मुसब्बिबुल असबाब तो खुदा। आपने सुना होगा कि 60 किलो दूध गाय देती थी, लेकिन आज के बच्चे आंख से देख रहे जर्सी गाय 60 किलो दूध दे रही है। 1975 में रूस के साइंसदानों ने कहा, अगर हम इस धरती में दिमाग लगाएं और इस धरती से पैदावार निकालें, खेती पैदा करें, खेती से फसल निकालें, तो 9.5 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अल्लाह ताला की इतनी सलाहियत के अंदर है। विनोबा भावे जी, उन्होंने कह रहे, आने वाले बच्चे तो हाथ को देख रहे हो, मुंह को देख रहे हो कि खाएगा कहां से आएगा, लेकिन कमाने वाले वो हाथ को नहीं देख रहे, खाने का मुंह एक है, कमाने के दो हाथ। एक नुक्ते की बात सुनिए, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मौत क्यों आती है, लोग मरते क्यों हैं, बड़ी प्यारी बात नकल करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पुराने लोग मर जाते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोगों में नए जमाने को तरक्की देने के लिए नई सलाहियत होती है, इसलिए पुराने लोगों को उठाया जाता है, नए लोगों को लाया जाता है, ताकि वो अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करे, दुनिया को तरक्की दे। आप देखे होंगे आज से 50 साल पहले ऊंट का सफर होता था, लेकिन अब हवाई जहाज का सफर होता है, पिछले लोगों ने हवाई जहाज को पैदा नहीं किया। यही नया जहन, नए इंकलाबी दौर के लोग आए और समंदर में पुल बना दिया, और एक मशीन से 500-500 आदमी के बराबर काम लिया जा रहा है। ये जदीद सलाहियत नए बच्चे में पैदा होती है, इसलिए अल्लाह ने मौत के सिलसिले को रखा, पुराने लोग जाते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के खजाने पर हम भरोसा करेंगे, अपनी जेब पर नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटियों पर 5 जुल्म बढ़ाया जाता है, जब बेटी पैदा होती है तो बाप मायूस हो जाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है। दूसरा जुल्म बेटी पर यह होता है, बेटी को पराया घर समझा जाता है और बेटे को अपना घर समझा जाता है। तीसरा जुल्म बेटी पर यह होता, जितना बेटे को तालीम दिलाई जाती है उतनी बेटी को तालीम नहीं दिलाई जाती, बेटी पर जुल्म है।
बराबर तालीम देनी आनी चाहिए, जितने जितना जितनी तालीम बेटे को उतनी तालीम बेटी को। बेटी पर चौथा जुल्म ये होता है कि बाप हज में जाने वाला है, बेटा को माला माल कर देता है, बेटी को कंगाल कर देता है, ये चौथा जुल्म है। और पांचवा जुल्म समाज ये करता है, जब तक बेटी वाले से मुतालबा पूरा नहीं ले लेता तब तक निकाह नहीं करता है, बेटी पर पांच जुल्म उठा रहा है। जुल्म उठाने वाले के लिए दुनिया में इज्जत नहीं है। आज आप एक गुना लेंगे, कल आपको दस गुना देना पड़ेगा, खून के आंसू होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा बेटी के साथ एक सुलूक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से एक मिसाल, कौवा जब घोंसले में अंडा देता है, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, जब कौवा अंडे से बच्चा निकालता है तो बच्चा बिल्कुल गोरा होता काला नहीं, तो कौवा छोड़ करके बच्चे को उठा देता है, ये मेरा बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा, मेरा बच्चा होगा मेरी तरह काला होगा, ये बच्चा तो गोरा है, मेरा बच्चा नहीं, छोड़ करके चला जाता। माँ बाप छोड़ करके चले गए, खुदा छोड़ करके नहीं जाता। अब वो मासूम बच्चा जो अपनी तरफ से हरकत नहीं कर सकता, खुद रोजी कमा नहीं सकता, रोजी खा नहीं सकता, देखिए अल्लाह ताला कैसे उसके लिए इंतजाम करता है। तफसीर में कसीर ने लिखा है, जब बच्चे को भूख लगती है, खिलाने वाले माँ बाप नहीं है, खुदा वहां मौजूद है, मच्छर अल्लाह घोंसले में पैदा करता है, बच्चा भूख खोलता है, मच्छर अंदर चला जाता है, उसकी भूख मिट जाती है। जब बच्चे को प्यास लगती है तो अल्लाह आसमान से रात में शबनम टपकाता है, पत्ते में अटका देता है, बच्चा मुंह खोलता है और वो शबनम का कतरा हलक के नीचे उतर जाता है। माँ बाप ने खिलाया नहीं, खुदा ने खिलाया, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। जो खुदा कपड़े के बच्चे को भूखा नहीं रखता, वो हमारे बच्चे को कभी भूखा नहीं रखता। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं, दामाद बहुत होशियार बिरादरी है, आप देखेंगे कि दामाद के ऊपर कुत्ता बहुत ज्यादा छूटता है, मतलब साफ है, हर आदमी अपनी बिरादरी को पहचानता है। ध्यान से सुनिए, दामाद इतना चालाक होता है कि जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता, सीधे वो ससुराल की तरफ रवाना हो जाता है कि मुर्गा मिलेगा। सास भी बड़ी होशियार है, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे बार बार, पर कल बिदरा ककड़ी खेलती, कहा ऐसा सबक सिलाएंगे सिखाएंगे कभी नहीं आएगा। आया दस्तरखान बिछा दिया, सास ने खिचड़ी रख दिया पका, दामाद ने जब देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है, ये खिचड़ी दे दिया। सास बड़ी चलाती, उसने कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, खिचड़ी बहुत अच्छी गिजा है, अमीर भी खा लेते गरीब भी खा लेते, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया को मुर्गा बचाने की पलानी है, तो कहा कि अम्मा ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो ला। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कंजूस थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा, अब बड़ी मुश्किल से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो ढक्कन तेज खुल गया, सारा घी गिर गया। बड़ा अफसोस हुआ कि दामाद सारा घी खा जाएगा, तो दिमाग लगाया बेटा अकेले खाओगे खाने में बरकत नहीं होगी, उसको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत। समझ में आ गया कि बुढ़िया अकेले खाने नहीं देगी, आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा क्या फर्क पड़ता। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, प्लेट को देखा तो देखा कि घी दामाद की तरफ ज्यादा, दामाद की तरफ से घी को अपनी तरफ टांगना, मैं तुमसे नाराज हूं, फला महीना मेरी बेटी को ये दूध दिया है, ये दूध दिया है, ये दूध दिया है, सारा घी जटा। दामाद ने जब देख लिया कि बुढ़िया मंतिक से घी को टांग रही है, हमें फलसफे से बचाना, तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला, अगर मैंने वो दूध दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, जो सुख को मिलाना पड़ता है। ओ जग दाता दाता जग के, ओ पर खनहारे रग रग के, ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के हवाले से सुना रहा हूं। या
पैगाम है, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। उसके बाद दूसरे राउंड में आपको शायरों को सुनना है, मुकम्मल जलसे को मुकम्मल दुआ तक पहुंचा करके उठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सुनिएगा जल्दी से निकल जाएगा। हमारा मोटर ऊपर होता है और पानी नीचे है, कभी आप बोल कहते हैं कि पानी कहां से आ रहा, कीचड़ से निकल करके आ रहा। हम इधर मोटर ऑन करते हैं, पानी कीचड़ से निकल करके आ रहा। अच्छा, हमारे हाथ में पानी आता है तो चांदी की तरह चमकता है, कीचड़ से चांदी की तरह चमकाने वाला वो खुदा है, कोई और नहीं है। दूसरी बात सुनिए, हम लोग जमीन पर है, हमारा पानी नीचे है। जो लोग पहाड़ पर है दार्जिलिंग में, आइए, 8,000 फीट की चोटी पर लोग बसे हुए और उनका पानी कहां है, चोटी के ऊपर। तो पानी कैसे अटकेगा भाई इतना ऊपर में? तो अल्लाह का निजाम देखिए, पानी को बर्फ बना करके अल्लाह ने जमा किया, वो पानी घिसता रहता है, बंदे की प्यास बुझाता है। एक बात आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूं, आपने बॉम्बे को देखा, हाजी अली को देखा, वो समंदर पर, उस समंदर के पानी को आप चुनाव में लीजिए, हलक के नीचे उतार करके दिखाएंगे, लिंक रहेगा, इतना खारा पानी होता, इतना कड़वा पानी होता। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी पानी को, कड़वे पानी को बादल ने आकर के समंदर से उठाया और सर के ऊपर बल्दी पर ले गया। वो पानी जमीन पर आने से पहले अल्लाह अपनी कुदरत से उसको मीठा कर देता है। एक बात बता दीजिएगा, पानी पहले से मौजूद होता है तो बाद में प्यास लगती है, हम पानी उठाते हैं झट से प्यास बुझा लेते हैं, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है, जो पानी पेट में पेशाब बन जाता है उसको अल्लाह पेशाब के रास्ते से निकाल देता, पेट में रहने नहीं देता। यही पानी अगर प्यास के वक्त में ना मिले तो आदमी दौलत को दौलत नहीं समझेगा, जान है तो जहान है। यही पेशाब अगर पेशाब के रास्ते से पेट से बाहर ना निकले तो इलाज में आदमी पैसे को पैसा नहीं समझेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन अभी तक आपने गौर किया कि हर प्यास में अल्लाह आपको फ्री में पानी पिला रहा है, जो पेट में पानी पेशाब बन गया अल्लाह बगैर पैसे को उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। ध्यान से सुनिएगा, 3 वक्त में आदमी रोता, जब खुशी का मौका होता तो आंख से आंसू छलक जाते, जब किसी का जनाजा होता, मुसीबत होती है तो आदमी रोता, इस पर अज्र मिलता है, लेकिन जन्नत जन्नत से ज्यादा लगता। लेकिन एक आंसू है, आदमी कब रोता है, खौफ में, अल्लाह के खौफ में रोता, अपने गुनाह को याद रखे, इसका अजर बहुत बड़ा है। इधर आंख से आंसू का कतरा निकलता है, जहन्नम की आग को बुझा देता है। जन्नत में जब आए लोग पहुंचेंगे, प्यास लगेगी तो कैसे पानी पिएंगे, कबूलियत की घड़ी आपको दुआ कर रही है, अल्लाह फर्स्ट क्लास के जन्नत में हम लोगों को शामिल फरमाए। ध्यान सुनिएगा, जन्नत में जाएगा आदमी, प्यास लगेगी तो अपने हाथ से पानी उठाएगा, पीलेगा, प्यास बुझाएगी। उसके बाद नौकर आया, उसने पानी पिला दिया, खुशकिस्मत तो वो जन्नती होगा, इधर प्यास लगेगी, अल्लाह का हाथ बढ़ जाएगा पानी पिलाने के लिए, खुदा पिलाएगा, बंदा पिएगा, अल्लाह उनमें हम सबको शामिल करेगा। अभी आम का टाइम है, बाग में आम लगे हुए, अल्लाह की वो बड़ी नेमत है, अल्लाह का नाम लेकर के खाना और अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके अल्लाह का शुक्र अदा करना। एक मंतकी चोर था, चुपके से रात के सन्नाटे में बाग में पहुंचता था और आम कैसे तोड़ता था, आम अल्लाह का, मैं अल्लाह का, बाग अल्लाह का, कौन होता है मुझको रोकने वाला, रोकने वाला। बाग वाला सर पकड़ करके बैठा हुआ, वो रोज आम घट रहा है, आम जाता कहां, पहरे पर बैठा हुआ था, देखा कि वो ये मंतकी चोर है, इस मंतक से ये चोरी करता है, इसको फलसफे से सबक देना, रस्सी से बांध लिया, 99 दिन चोर की 1 दिन पकड़वा दिया, पकड़ा गया उसको बांध दिया, बांध करके दो लाठी मारना शुरू किया। जब वो रोने लगा तो कहता कि रोता क्यों है, ये लाठी भी खुदा की, मैं भी खुदा था, तू भी खुदा का, तो फिर चिल्लाता क्यों, अपने मरकज से न चलूं फिर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा, याद है वो दौर भी तुझको के जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा,
कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। फूल में खुशबू भरी जंगल की बोटी में दवा, बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा, आग से शोला निकाला अबुर से आबे सफा। ध्यान से सुनिएगा, बाप आए बेटी गया, बिस्तर बिछा हुआ था, बेटी ने उसे समेट दिया। बाप ने पूछा, बेटी मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं या ये बिस्तर मेरे लायक है? तो बेटी ने झट से कहा कि ये नबी का बिस्तर है, आप नबी के दुश्मन हो, आप इस बिस्तर के लायक हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, बाप खड़ा है, दरवाजे को खोला तो देखा एक काला आदमी खड़ा है। आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 मरतबा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाता है, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा हो जाता है। लेकिन माँ की मोहब्बत को कुर्बान जाइए, वो उस काले को चांद से भी बढ़कर के समझती है। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जवान खड़ा है काला बदसूरत गुलाम नौकर। बाप ने कहा, क्यों आए हो? कहा, तुम्हारी खूबसूरत बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आए। कहा, आईने में तो जरा चेहरा देख लिया होता कि मेरी बेटी के लायक हो, तुम काले हो, बदसूरत हो, खूबसूरत है, वो आजाद है, शरीफ है, तुम गुलाम और नौकर हो, रिश्ता नहीं मिलेगा, चलो वापिस हो जाओ। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझे रिश्ता मंजूर है, आपने इसको देखा कि आने वाला काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला करने वाला। आया बाप दौड़ा हुआ बेटी को मुबारकबादी दे रहा, बेटी 17 डिबिया तेल जला रहा था जिस दामाद के लिए, वो दामाद मिल गया, मुबारक। तो बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर रिश्ता मंजूर है, लेकिन शर्त यही है कि पहले ये बताओ कि लड़के के सर पर टोपी है? कहा कि रमजान में जुमा, उसके बाद में। कहा कि चेहरे पर दाढ़ी है? कब? बुढ़ापे में रखेगा। हज किया है? कब? बुढ़ापे में करेगा। रोजा नमाज करता? का बाया दाया मेदार आदमी है, क्या फर्क पड़ता? मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है, लड़का सुनार है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था कि जिसकी दाढ़ी बड़ी होती वो बेवकूफ होता, सोचा कि दाढ़ी को छोटा करता, बेवकूफ नहीं रह गए। कैंची तलाश किया, कैंची नहीं मिली, चराग जल रहा था, सोचा मुट्ठी भर दाढ़ी रहने देते हैं, जो बाहर उसको बाहर कर देते, कबीयत पहुंचा देता। चराग से जैसे ही हाथ सकाया, बाहर की दाढ़ी जैसी जली आग से उंगली सड़ गई, हाथ छूट गया, बाहर की दाढ़ी को बाहर करने के चक्कर में अंदर की दाढ़ी भी चली। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद तुजर पे फिदा है, हनू दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए वो सुन्नत में क्या तूने पाया, तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। शकील शकल बनाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, घर का खाए अपना बचाए उस पर मौज मनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। मेरे इससे मुकम्मल हो गया, तीन बार
बात आपसे लेना चाहता हूँ। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह की बात करेंगे इंशाल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, गारंटी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से, न बातों से, नजर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लड़ोटी भी गई। वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह।